दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के अब तक 1,95,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या की अगर हम बात करें तो 7,24,000 को ये संख्या पार कर गई है। वहीं दुनिया भर में अब तक 1,25,00,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में अभी भी 62,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं और जिनका इलाज लगातार जारी है। दुनिया भर में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ दुगनी स्पीड से अब कोरोना दुनिया में स्प्रेड हो रहा है। देश में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में 20,00,000 के पार ये संख्या पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना से अब तक 20,88,611 लोग संक्रमित हैं। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 42,000 को पार कर चुकी है और देश भर में कोरोना से अब तक 42,518 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश भर में कोरोना के अब तक 14,27,006 मरीज ठीक भी हुए हैं और देश भर में कोरोना के 6,19,088 एक्टिव केस फिलहाल मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 61,537 नए संक्रमित मिले हैं और देश भर में पिछले 24 घंटे में 933 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ महज 24 घंटे के अंदर एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, जो वाकई चिंता का विषय है। राजस्थान में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज भी प्रदेश में 499 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। कोटा से 85, अलवर से 91, जयपुर में 42, उदयपुर में 47, सीकर से 26, बाड़मेर में 27, नागौर में 52, बांसवाड़ा से 25, अजमेर में 46, बीकानेर से 2 कोरोना संक्रमित मिले, झालावाड़ से 11, चित्तौड़गढ़ में 1, डूंगरपुर में 18, टोंक में 7 और झुंझुनू से भी 19 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजस्थान में इसी के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 को पार कर चुकी है। 50,656 आंकड़ा हो चुका है प्रदेश में और प्रदेश में आज कोरोना से 9 मरीजों की मौत भी हुई। 12 कोटा में 3-3 मौतें, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर में 1-1 मौत सामने आई। राजस्थान में कोरोना से अब तक 776 मरीजों की मौत हो चुकी है और एक्टिव केसेस की बात करें तो प्रदेश में अभी भी 13,570 एक्टिव केस हैं और लगातार जिस प्रकार से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक्टिव केसेस की संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। लगातार प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच आपको बता दें, विभाग समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ले रहे हैं। कोशिश यही कि जो मृत्यु दर अब सामने आ रही है उसको नगण्य किया जा सके, क्योंकि कोरोना संक्रमण से छूट कब मिलेगी इसका अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लगातार कोशिशें यही की जा रही हैं कि मृत्यु दर को नगण्य किया जा सके, किसी भी मरीज की कोरोना के चलते मौत प्रदेश में ना हो। और अधिक बातचीत के लिए संवाददाता लोकेश वाला फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? लगातार कोरोना के आंकड़े प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, क्या नई अपडेट फिलहाल? जी मनीषा, बिल्कुल, प्रदेश में जो कोरोना का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 50,000 से अधिक हो चुकी है, यानी कि अब तक प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या, जो कोरोना पॉजिटिव है वो 50,656 आ चुके हैं सामने जी। इसी तरह बात करें तो जो मौतों का ग्राफ है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 800 के करीब मौतें का जो ग्राफ है वो बढ़ता नजर आ रहा है। इसमें अब तक प्रदेश की बात करें तो 776 कोरोना से अब तक मरीजों की मौतें भी हो चुकी है, जो बड़ी संख्या है। बात करें तो आज प्रदेश में 499 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। ऐसे में लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता नजर आ रहा है, जिसमें आज 9 मौतें भी हुई है, यानी कि आज 3 बारह में और 3 कोटा में मौतें हुई है, साथ साथ बीकानेर, जयपुर और उदयपुर में 1-1 मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में मौतों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जिसमें सबसे अधिक जो मौतें हुई है वो जयपुर में हुई है, यानी कि जयपुर में 214 कोरोना से अब तक लोगों की मौतें हो चुकी है। इसी तरह एक्टिव जो प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक पॉजिटिव मरीज जोधपुर में मिले हैं। जोधपुर में अब तक 7,770 कोरोना के पॉजिटिव केस है वो सामने आ चुके हैं। इसी तरह बात करें तो जयपुर में भी 6,292 अब तक कोरोना पॉजिटिव वो सामने आ चुके हैं। बात करें अलवर की, अलवर में भी लगातार बीते दिनों से बड़े कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, जिसमें अब तक अलवर में भी 5,137 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। वहीं अजमेर की बात करें तो अजमेर में बीते दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसमें अजमेर में 2,449 जो कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं अब अजमेर में भी 55 लोगों की मौतें हो चुकी है, यानी कि जो बात करें तो मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है।
और ऐसे में जिस तरह से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ना भी लाजमी है, वो भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की बात करें तो 13,570 एक्टिव केसेस है, यानी कि रिकवरी रेट की बात करें तो 70% के करीब अभी भी रिकवरी रेट बरकरार है। जो बीते जो जुलाई महीने की बात करें तो शुरुआती जो जुलाई महीने की शुरुआत में यह जो रिकवरी रेट 80% के करीब थी, जो अब 70% के करीब आ चुकी है, यानी कि एक्टिव केसेस की संख्या जहाँ बढ़ रही है वहां पर जो रिकवरी रेट है वो भी कम होती जा रही है। हालांकि जो मौतों की संख्या है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरह से प्रदेश में बात करें तो बीते 25 दिन से 25,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, ऐसे में जो खतरा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा जी, है लोकेश। हालांकि चिकित्सा विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसको देखकर कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह रिकवरी रेट रहेगी, जो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की रेट रहेगी, तो जो खतरा है वो बढ़ सकता जी, है, मरीजों को शिफ्ट करने की समस्या वो बढ़ सकती है। हालांकि इनको लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है, जो उनको कहा गया है कि जहां जहां कोरोना पॉजिटिव अधिक आए। जी लोकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज भी प्रदेश में 499 नए कोरोना संक्रमित निकलकर सामने आए हैं, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच सरकार यही प्रयास कर रही है कि मृत्यु दर जो है उसे नगण्य कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है उसे रोकना इतना आसान नहीं है, लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन जो कोरोना से होने वाली मृत्यु है उन पर निश्चित तौर पर रोक लगाई जा सकती है अगर सफल प्रयास लगातार किए जाएं उसी कड़ी में। तो कोटा से फिलहाल संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी कोटा से मिल पा रही है? लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी, फिलहाल क्या नए इंतजाम वहां पर, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए आंकड़े कहीं ना कहीं चिंता का विषय। बिल्कुल मनीषा, कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव केसेस की बात करें तो आज 85 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब ये जरूर कहा जा सकता है कि शहर का एक भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। अस्पतालों की व्यवस्था को देखा जाए तो अस्पताल की व्यवस्था है पूरी तरह से चरमागरा गई है। साथ में अगर कोरोना पॉजिटिव के जिस तरह से मामले बढ़े हैं अस्पताल में, अब यूं नहीं कहा जा सकता कि कोई बेड खाली है। जिला प्रशासन ने होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की है, मगर होम क्वारंटाइन की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रही है, क्योंकि लगातार होम क्वारंटाइन तो लोगों को किया जा रहा है मगर उनकी देखरेख के लिए सुचारू व्यवस्था नहीं है और लोग खुद इस संक्रमण को फैलाने में लगे हुए हैं। कई जगह ये भी देखा गया है जिन मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया है मनीषा, वो लोग बाजारों में घूमते नजर आए हैं। अगर टोटल केसेस की बात करें तो 2617 केस अब तक सामने आ चुके हैं। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो 46 मौतें कोटा में अब तक हो चुकी है। आज जो न्यू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य है विजय सरदाना, उन्होंने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो मौत हुई है उसके लिए 6 डॉक्टरों की एक टीम गठित की है। 6 डॉक्टरों की टीम 6 प्रमुख बिंदुओं पर यहाँ पर जांच करेगी कि किन कारणों से इन मरीजों की मौत हुई, उनको वो कोई बीमारी से ग्रसित थे और क्या कारण थे, इसकी रिपोर्ट पूरे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को सुपुर्द की जाएगी जिसको राज्य सरकार को भेजा जाएगा। जी मनीषा जी, राजेंद्र चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ, इस बीच प्रयास यही कि कहीं ना कहीं संक्रमण जो फैलता जा रहा है लगातार उस पर रोक लगाई जा सके, और साथ ही अब 50,000 को संक्रमितों की जो संख्या है वो पार कर चुकी है, लगातार प्रदेश में आंकड़ा बढ़ता हुआ। अलवर से फिलहाल संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी अलवर से मिल पा रही है? लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, एग्जैक्ट आंकड़ा अगर हम जानना चाहें कि इतने लोग रिकवर होकर घर लौट चुके हैं। जी मनीषा, बताना चाहूंगा कि 91 नए केस आज आए हैं जी, और लगातार जो केसों की संख्या है कोरोना की वो बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एक सप्ताह के दौरान 1 से 7 अगस्त तक के बीच में 1,058 नए मरीज केस आए हैं। इसके अलावा जो संक्रमण दर है वो 8.61% है। अभी तक जब से लैब खुली है उसके बाद लगातार सैंपलिंग का कार्य भी बढ़ाया जा चुका है प्रशासन की ओर से, और 58,000 से अधिक लोगों के सैंपल अभी तक लिए जा चुके हैं, और जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में अलवर तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है, और अनलॉक के 68 दिनों में 4,994 मरीज आ चुके हैं, और अभी तक और अलवर शहर में 1700 मरीज और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 1,451 मरीज आ चुके हैं। मनीषा चलिए चंद्रशेखर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 499 नए कोरोना संक्रमित आज प्रदेश में निकलकर सामने आए हैं,
और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मृत्यु दर जो है उसको नगण्य किया जा सके इसके प्रयास भी लगातार प्रदेश में जारी हैं। और इस बीच संक्रमण जो है वो लगातार फैलता जा रहा है, 50,000 के पार अब जो संख्या है वो पहुंच चुकी है। देखने वाली बात होगी किस प्रकार से कोरोना को काबू में लिया जा सकता है। जागरूकता की कमी, लापरवाही एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हमारे सामने, डेली एक नया रिकॉर्ड प्रदेश में फिलहाल टूट रहा है। पिछले कुछ दिनों से दुगनी स्पीड में कोरोना के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं।